हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल्डी एंड टुन्नू चैनल। आज हम आपके लिए लेके आ गए शानदार ढाबा, शेखावटी ढाबा है। जो आपको दिख रहा होगा पीछे, ये पूरा शेखावटी ढाबा है, ये पूरा देख लो। और बहुत ही बढ़िया है, मतलब हमें तो यहाँ से देखने से लग रहा है। यहाँ पे आपको दाल बाटी चूरमा, सादा थाली, स्पेशल थाली भी मिलेगी। मैं स्पेशली आज दाल बाटी चूरमा ट्राई करने आई हूँ, तो चलो चलते हैं। आ गए हम ढाबे में अंदर। अब आप देख सकते हो पूरी सिटिंग इसकी, एक बार देख लो ये सारी चेयर्स वगैरह इन्होंने लगा रखी हैं। साथ में बाहर ही ये लोग सब्जी बनाते हैं, तंदूर में बाटी रोटी वगैरह सब उसमें बनता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आप टेस्ट करके देखते हैं क्या क्या खाने में है और कैसा टेस्ट है इनका। तो चलो भैया, एक आप 60 रुपये वाली थाली तो कर ही दो, जिसमें आप जो भी है वो कर दो, और साथ में छाछ कर देना एक दो गिलास। अभी ये करो, फिर हम बाकी का ऑर्डर देंगे। अभी थाली एक प्लेट ही करो और साथ में कुछ और ऑर्डर करते हैं। तो थाली आ गई है हमारी। इस थाली में ये देखो, ये सब कुछ आता है और रोटियां गरम गरम आ रही है वहाँ से। तो रोटियां आ चुकी हैं, तवा रोटी। आप ये 60 रुपये की प्लेट है, आप कितनी भी रोटी ले सकते हो, कितनी भी सब्जियां ले सकते हो, अनलिमिटेड है ये थाली। तो एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं। गरम है, गरम 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 एकदम, पर मस्त लग रही है। देखो आलू छोले की सब्जी आई है इसमें, ये देखो आप आलू छोले की सब्जी है, साथ में इसमें आई है दाल, ये देखो। और फिर अब इसको ये प्याज टमाटर चटनी भी आई है लहसुन वाली, और चावल आए हैं। चटनी, हाँ हाँ, रोटी थोड़ी गर्म करना पहले तो टेस्ट करके बता। शेखावटी टच है नहीं है राजस्थान में? नहीं यार, ऐसे तो नहीं, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। आलू वालू सब गिर रहे गर्म होंगे, गाने थोड़ा मिर्ची भी लेते हैं। थोड़ी सी सब्जी मुझे ऑयली लगी, बाकी सब्जी टेस्टी है पर थोड़ी सी ऑयली है। अनलिमिटेड 60 रुपये में अच्छा टेस्ट है, मुझे अच्छा लगा। दाल भी हम खा के देख लेते हैं। दाल चावल के साथ खाते हैं, वाओ मस्त, सच में बढ़िया। वाह यार, दाल चावल हाथों से खाने का जो मज़ा है ना, कोई जवाब नहीं है। ये देखो थाली भी बेस्ट है, मतलब थाली में अच्छे अच्छे चावल, थोड़ा फीका ही होता है लेकिन। ये प्याज ले लिया थाली में, फिर मिर्ची भी ले लेता हूँ, गिर गया इसमें। मस्त, बहुत ही बढ़िया, मस्त स्वाद है यार। गर्मा गर्म रोटी मिल रही है, हमें सब्जी समझ में नहीं आ रही थी कौन सी हम खाएं, तो हम भैया से पूछेंगे। भैया आपके यहाँ पे सबसे बेस्ट सब्जी कौन सी है? सब्जी थाली के अंदर आलू छोला है, दाल है, और फ्राई के अंदर मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर। सबसे ज्यादा बिकने वाली सब्जी दाल बाटी चूरमा, तो वो तो खत्म हो गई, हमें तो टेस्ट ही नहीं करने को मिली। पैकिंग हो गया सारा, अभी एक साथ ऑर्डर आया। मैं तो आई सिर्फ दाल बाटी चूरमा खाने थी, लेकिन वो पैकिंग हो गया। अरे यार चलो कोई बात नहीं, कोई सब्जी तो बता दो जो बढ़िया चलती हो। मैं चूरमा खा लूं बिना दाल बाटी के? यहाँ का स्पेशल है दाल बाटी चूरमा, बट हमें मिला ही नहीं, तो अब हम क्या कैसे बताएंगे भैया। काफ़ी मनाने के बाद भैया ने मुझे बोल दिया है कि दाल बाटी मैं कर दूंगा आपके लिए, तो फाइनली हम दाल बाटी ट्राई करके आपको बता पाएंगे। तो चलो एक बार दाल बाटी के प्लेट का इंतज़ार करते हैं। तो बाटियों के लिए घी गर्म हो रहा है और बाटियाँ भी हमारी आ चुकी है। देखो ये बाटी यहाँ पे सेकते हैं, यहाँ पे ये बाटी सेकते हैं। भैया इसमें जो बाटी सेकती है ना, उसे क्या कहते हैं? जगरा ना, हाँ जगरे, जगरे की बाटियाँ होती है, मैं खुद भी भूल गई थी। बट ये देखो अब यहाँ से बाटी सीख कर और एकदम तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आप सोच के देखो, अभी बाटी जो है ना वो बिक चुकी, पूरी ख़त्म हो चुकी है, और इनके दो आउटलेट से दोनों पे बाटी ख़त्म हो चुकी है। तो बस ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे चलो इन्होंने बना दी, लेकिन आप अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और सारी बाटियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। ये लग गई है हमारी दाल बाटी के प्लेट, चूरमा लग चुका है, अब बस गरम गरम बाटियाँ अब हमें खाने को मिलेंगी। थोड़ी सी ये गरम कर रहे हैं इसको इसके अंदर, देखो आप हमारी गर्मा गर्म बाटियाँ होने वाली है। फिर इसको घी में करके, और प्लेट हमारी जा चुकी है वहाँ पे, चूरमा था उसमें दाल थी, हरी मिर्च थी, बस बाटी अब यहाँ से जाएगी गर्मा गर्म। ये बाटियों को घी में एकदम फोड़ के, भाई बाटियों को ऐसे घी में डुबो के तो खाने में मज़ा है ना, वो कहीं पर भी नहीं है। हाँ हाँ, क्या मज़ा आ रहा है देखने में भी, मतलब इतना मुँह से पानी आने लगा है बोलते वक्त भी मेरे तो।
क्या ही बताऊँ, अगर आपको भी इसको देख के दाल बाटी की भूख लग गई है ना तो कमेंट करके बताना। ये गई हमारी बाटी एकदम घी में डूबी थी, और शायद ऐसे ही भैया बिल्कुल घी में डूबी हुई बाटी प्लेट में लेके जाते हैं आज, और ये एकदम भीगी हुई घी में बाटी भी आ गई। वैसे के वैसे घी का कटोरा ले आए थे भैया, देख लो आप, एकदम देसी घी में बाटी है भाई, शानदार, मज़ा आ गया देख के भाई, टेस्ट करने से रहा नहीं जा रहा। ये देखो देसी घी का बढ़िया चूरमा है, ये देखो बढ़िया सा, और ये दो चूरमे देते हैं इसमें ना, ये भी चूरमा ही है, ये टेस्ट करके देखते हैं। ये भी मस्त है, बढ़िया, ये बेसन का है, ये बेसन का है, मस्त। और अब दाल बाटी खा के देखते हैं अपने अंदाज में, इसमें थोड़ा सा चूर के, क्योंकि मैं तो घर पे भी ऐसे ही खाता हूँ, तो यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं अपने अंदाज में कैसी लगती है। भाई कोई जवाब नहीं है इस ढाबे का, सच में कितने रुपए की है हम पूछते हैं कितने रुपए की है, लेकिन सच में कोई जवाब नहीं है, बहुत ही तगड़ी थाली है, बहुत ही तगड़ी, मज़ा आ गया। मुझे ना इतनी खुशी हुई थी जब भैया ने मुझे बोला कि मैं करवा देता हूँ दाल बाटी, भाई मेरा बहुत मन था, मैं बहुत मन से आई थी, और ये 120 रुपए की प्लेट है ये, और अनलिमिटेड है, और सारी बाटियाँ है ना यहाँ पे बिक जाती है, मतलब आपको मिलेगी मुश्किल से, लेकिन आज भी 8 बजे तक तो देखो मिलती है, उसके बाद ख़त्म भी हो जाती है, तो ये खा के देखते हैं कैसी एकदम। जिस हिसाब से इन्होंने घी आ रहा है ना डूबा हुआ रूम में, मज़ा आ गया, लेकिन सही बता रही हूँ, और यहाँ पे आप है ना आओ, और ये दाल बाटी जो चाहिएगा 120 रुपये की थाली है, अनलिमिटेड है, आप पेट भर के एक आदमी कितना भी खाओ, मज़ा आ गया यार, चूरमा भी टेस्ट कर लेते हैं। चूरमे को जब तक हाथ से नहीं खाओ ना मज़ा नहीं आता, मुझे लगता है कोई भी खाने को हाथ से खाना, अपनी कटलरी साथ लेके चलनी चाहिए, बेसन का चूरमा है ये वाला चूरमा, यार काफ़ी सही अच्छी बाटियाँ दे रही हैं, दाल दे रहे हैं 120 रुपये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना, बस अब इसको ख़त्म करते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे। तो बिल ले ले भैया, एक बार बिल दे दीजिए प्लीज़, बिल दे दो भैया, बिल जैसे खाली बिल दो बना, अरे जैसे। तो दोस्तों यार खा लिया है, बहुत ही बढ़िया, पेट पूरा भर चुका है दाल बाटी खा के, दिल को सुकून आ गया है। अभी मैं आपको लोकेशन समझा देती हूँ, गुजर की विवेक विहार मेट्रो स्टेशन से जब आप गुजर की थड़ी की तरफ जाओगे तो बस वी मार्ट जो है उसके बिल्कुल साइड में आपको ये ढाबा मिलेगा, शेखावटी तड़का ढाबा, और काफ़ी मज़ा आया है। तो गाइस आप फाइनली थैंक यू, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, बाय बाय।